हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो आप सबको आएगा बेहद ज्यादा पसंद। तो ऐसे में एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और हो सके तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जो की है उसको दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप सबके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। और हमेशा की तरह वही टॉपिक मैंने उठाया है जिसके बारे में ज़्यादातर टेक चैनल्स जो कि है बात नहीं कर रहे हैं, जबकि इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके ऊपर एक नहीं कम से कम दो तीन वीडियो बनाना बनता है, और उसको प्रॉपरली आपको समझाना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है फ्यूल। फ्यूल जो कि है उसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा गिरने वाली है, क्योंकि जो अदर कंपनीज हैं, अदर कंट्रीज हैं जो फ्यूल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इससे बहुत बढ़िया पैसे कमाते हैं, उन सब की जो धंधा है वो सब अब बंद होने वाली है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि आ चुकी है और जिसकी वजह से इन सभी कंट्री या फिर कंपनीज की जो कि ये भारी मात्रा में लॉसेज हो सकती है, चलिए इस बारे में जानते हैं एकदम डिटेल से। सब्सक्राइब कीजिए टेक इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आप सबसे मांग लेता हूँ माफी, क्योंकि कल की जो वीडियो था वो मैं दे नहीं पाया आप सबको। यही वीडियो मैं कल आपको देने वाला था, लेकिन मैं घर नहीं पहुँच पाया वक्त पे, और ऐसे में मेरे पास कोई लाइटिंग सेटअप भी नहीं है जिसकी मदद से मैं जो कि है एक वीडियो तैयार करके आपको रात के समय पे भी दे सकता हूँ। इसके लिए मुझे कीजिएगा थोड़ा सा माफ, और गलती के लिए मैं भी आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, माफी मांग रहा हूँ। और कल की वीडियो जो कि एक था उसमें भी मैंने आप सबसे माफी मांगा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आप सबको कुछ ऐसी बातें बता देना चाहता हूँ जो इस वीडियो की टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब व्हीकल्स और साथ ही साथ कुछ ऐसी मशीनरीज जो फ्यूल को कंज्यूम करते हैं वो सब इसी एनवायरनमेंट में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी हमारी एनवायरनमेंट के लिए, उतना ही बुरा ये चीज़ साबित होता जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूल जल रहा है, हम सब सांसें ले रहा है, तो ऐसे में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, और इसको खींच के निकल के अलग करने की भी किसी तरीके का कोई भी सिस्टम अभी तक मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते थे इस बारे में। तो अब जो कि है एक प्रोटोटाइप ऐसी मशीन बनाया गया है जिसकी मदद से आप एनवायरमेंट से जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकते हो। सिर्फ अलग ही नहीं, इसको अलग करके आप फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ बातें और भी है जो मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ। मैंने उन सभी वेबसाइट्स के एडमिन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी जिनके ब्लॉग पे इस बारे में डिटेल में सब कुछ है, तो उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया कि उनकी जो कि वेबसाइट की लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ। कुछ यूट्यूब में एक दो वीडियो है जहाँ पे इसकी जो कि है एक 3D मॉडल तैयार करके आप सबको समझाया गया है, उनके साथ भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया। जाहिर सी बात है बहुत छोटा सा चैनल है हमारा, तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम ग्रो करें आगे बढ़े, लेकिन आप सबका प्यार अगर ऐसे ही बना रहा तो बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब हम भी बड़े कुछ चैनल्स में से शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, मैं तो वीडियो या फिर कोई क्लिप आपको दे नहीं सकता, यहाँ तक कि वेबसाइट की लिंक भी आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता, तो इसके लिए माफ़ मुझे कीजिएगा, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ मैं दे सकता हूँ समय समय पे जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे कुछ सीट्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर से हवा को फ्लो करके बाहर की तरफ धकेला जाता है। तो ऐसे में जब हवा ऐसे डायरेक्टली उसके अंदर से गुजरता है तो उसके अंदर लगा हुआ जो कार्बन प्लेट्स है वो जो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींच लेता है, और खींचने के बाद उसको एक जो कि है डब्बा है इसके नीचे वहाँ पे कलेक्ट करता रहता है। इसको पानी जैसे फॉर्म में इसको कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग ऐसा करते हैं जिसकी वजह से इसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये फ्यूल में कन्वर्ट हो भी गया, लेकिन कैसी फ्यूल में ये कन्वर्ट होता है, तो अभी तक ये नहीं बताया गया है कि आम जो बाइक्स या फिर व्हीकल्स हैं उनमें ये यूज़ हो सकता है या फिर नहीं, लेकिन ये बताया गया है जो प्लेन में फ्यूल यूज़ किया जाता है उसमें इसको काम में लिया जा सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिसका तोड़ निकल पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इसके वजह से उनका कुछ हल जो कि है निकल चुका है।
जो कि है मतलब एक उन्होंने एक चेन रिएक्शन सा क्रिएट कर दिया है इस प्रोटोटाइप की मदद से, और ये जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, हर जगह पे इस मशीन को लगाया जाएगा, तो कुछ इस तरीके का काम होगा। आपकी व्हीकल जिस फ्यूल को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ये मशीन जो कि है फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी एनवायरमेंट में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वही रहेगी, कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और नहीं ऐड होगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज आ नहीं रहा है। तो एक जो कि है सर्कल बन जाएगा, एक साइकिल सा स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। और मैं समझता हूँ ये चीज जो कि है हर जगह पे लगना चाहिए, हर कंट्री को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिन्होंने भी ये प्रोटोटाइप तैयार किया है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब आप अगर बोलते हो कि ये एक दिन में कितना मतलब फ्यूल इकट्ठा कर सकता है, तो एक दिन में ये 100 लीटर तक की फ्यूल को इकट्ठा कर सकता है। एक छोटा सा प्रोटोटाइप एक दिन में अगर 100 लीटर फ्यूल को इकट्ठा कर सकता है हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के, तो सोचिए जब इसकी पूरी की पूरी कारखाना लगाया जाएगा या फिर हर छत पे ऐसा एक मशीन होगा अपने अपने फ्यूल के लिए, तो ये कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि है हमारी एनवायरनमेंट से फिल्टर कर देगा। अब ये चीज़ ऐसा भी नहीं है कि एकदम पूरी तरीके से जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ये 80% तक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है उसको ले लेता है और 20% कहीं ना कहीं से निकल जाता ही है। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आपने ऐसा मशीन आपके छत पे लगाया है तो एक दिन में 100 लीटर फ्यूल तो आप नहीं यूज़ करते होंगे। और ऐसे में अगर देखा जाए फ्यूल की प्राइसिंग कितनी हो सकती है, तो उनकी अगर माना जाए तो इंडिया में फ्यूल की प्राइसिंग 2 रुपये से 6 रुपये के बीच में हो सकता है। मतलब आप सोच सकते हो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हर किसी के पास एक बहुत ही अच्छी महंगी स्पोर्ट्स बाइक होगा और उनको सोचना ये नहीं पड़ेगा कि फ्यूल कैसे डालें यार। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो कि हैं अभी तक सामने नहीं आया है, उन सबको देखने के बाद एक प्रॉपर वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा, वहां पे आपको समझाऊंगा इसकी पूरी तरीके से ये कैसे काम करता है और इसकी इंजीनियरिंग क्या क्या है। जितने भी इंफॉर्मेशन मुझे पता था इस चीज़ के बारे में मैंने आपको दे दिया। आपको फिर भी अगर यकीन नहीं होता है तो आप गूगल ट्विटर कुछ भी करके देख सकते हैं, अगर आप याहू यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलूंगा एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।